इन इन सॉलिड सॉलिड लिक्विड लिक्विड एज वेल एज गैस एज वेल एज गैस। अब देखो, मान लो कि आपके पास कोई एक सब्सटेंस है या कोई एक मटेरियल है और इस पे रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, समझ मारी बात। तो इंसिडेंट रेडिएशन में क्या क्या हो सकता है, यह मटेरियल क्या करेगा कि इसका कुछ पार्ट को जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, समझ मारी बात। कुछ पार्ट को जो है या कुछ एनर्जी, मान लेते हैं टोटल एनर्जी क्यू इंसिडेंट हुआ, कितना हुआ क्यू, उसमें से क्यू आर पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर लिया, क्या कर लिया, रिफ्लेक्ट। हो सकता है कि कुछ पार्ट को ये पार होने दे या बोले तो ट्रांसमिट होने दे, क्या होने दे, ट्रांसमिट। तो मान लेते हैं क्यू टी पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो गया, जैसे ग्लास से निकल जाता है ना, समझ में आई बात। और कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, क्या हो गया, एब्जॉर्ब। अगर किसी ऑब्जेक्ट में कुछ रेडिएशन या एनर्जी इंसिडेंट होता है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है और कुछ पार्ट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, समझ में आई बात। डिपेंड्स ऑन मटेरियल, जैसे मान लो 100 जूल गिरा तो 20 जूल रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, 30 जूल जो है वो ट्रांसमिट कर गया और 50 जूल क्या कर गया, एब्जॉर्ब कर गया, समझ में आ रही बात। तो यहां पर हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं कि जैसे एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट ये होता है कि जितना हीट वो एब्जॉर्ब किया डिवाइडेड बाय जितना टोटल हीट उसमें इंसिडेंट हुआ था, मतलब क्यू ए बाय क्यू टोटल, समझ आई बात। और इसे हम लोग लिखेंगे स्मॉल ए से, किससे लिखेंगे, स्मॉल ए से, ठीक है। इसको हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द सब्सटेंस या फिर एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट, समझ आ रही बात। सेकेंड जो है, अगर मान लो क्यू आर पार्ट रिफ्लेक्ट कर दिया तो इस मटेरियल के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं एब्जॉर्प्टिव सॉरी रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा क्यू आर बाय क्यू टोटल, समझ आई बात। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से, किससे, स्मॉल आर से। और ट्रांसमिट कर गया क्यूटी ना, तो इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं ट्रांसमिटिव ट्रांसमिटिव कोएफिशिएंट, इसको हम लोग लिखेंगे क्यूटी बाय क्यू। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टी से, किससे, टी से। तो देखो रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट, इसको हम लोग रिफ्लेक्टिव पावर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिव पावर। ट्रांसमिटिव कोएफिशिएंट, इसको हम लोग ट्रांसमिटिव पावर भी बोल सकते हैं। एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट, उसको हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोल सकते हैं, समझ आई बात। कभी कभी आपको एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट और ट्रांसमिटिव कोएफिशिएंट या फिर रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट, इसको परसेंटेज में भी दे सकता है, किसमें, परसेंटेज। तो इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज में आ जाएगा, समझ में आई बात। परसेंटेज एब्जॉर्प्टिव पावर, परसेंटेज रिफ्लेक्टिव पावर, परसेंटेज ट्रांसमिटिव पावर, समझ में आई बात। अब देखो, अगर हम लोग ए प्लस आर प्लस टी को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ए बाय क्यू प्लस क्यू आर बाय क्यू प्लस क्यू टी बाय क्यू। एलसीएम लोगे नीचे क्यू, ऊपर में आ जाएगा क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टू, तो ये टोटल क्यू के बराबर ही होगा ना, समझ में आ रही बात। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन, कितनी आ जाएगी, मतलब ए प्लस आर प्लस टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, समझ में आ रही बात। अगर मान लो आपको बोला गया है कि जो सब्सटेंस है या जो ऑब्जेक्ट है वो ओपेक मटेरियल है, कैसा है, ओपेक मटेरियल की खास बात होती है
कि वो किसी भी रेडिएशन को ट्रांसमिट होने नहीं देगा, ट्रांसमिट होने नहीं देगा, मतलब उसके लिए जो टी होगा वो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो। तो फॉर ओपेक मटेरियल, फॉर ओपेक मटेरियल टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जीरो। समझ आई बात? टी जीरो बोले तो मतलब आप लिख सकते हो टी जीरो मतलब ए प्लस आर विल बी इक्वल टू वन। समझ आई बात? लिख लो इसको। तो ओपेक मटेरियल के लिए आपका ए प्लस आर की जो वैल्यू होगी वो वन के बराबर होगी। लिख लिए? लिख लिए कि नहीं लिखे? चलो एक क्वेश्चन लिखो। इफ इफ 100 जूल ऑफ 100 जूल ऑफ रेडिएशन रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। देखो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो ए है ना इसको एब्जॉर्प्टिविटी भी बोल सकते हैं। समझ वाली बात? एब्जॉर्प्टिविटी मतलब ए। समझ वाली बात? रिफ्लेक्टिविटी मतलब आर, ट्रांसमिटिविटी मतलब टी। समझ में आई बात? इफ 100 जूल ऑफ रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ बॉडी हुज हुज ट्रांसमिटिव पावर इज 20% Reflecting power is 40%. Find the energy absorbed by the body. कितना जूल? 40 जूल। कितना कितना बोले थे? ट्रांसमिटिविटी कितना था? 20% और रिफ्लेक्टिविटी 40%। तो आपको बतलाना है कि कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, कितना करेगा? 40 जूल। तो देखो इसमें 100 जूल जो है वो इंसिडेंट हो रहा है, कितना हो रहा है इंसिडेंट। 20% जो है उसकी ट्रांसमिटिविटी है, मतलब 20% ऑफ 100 जूल मतलब 20 जूल हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो गया मतलब ट्रांसमिट हो गया। समझ आई बात? आपका 40% जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब 40 जूल क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। तो 100 जूल इंसिडेंट हुआ उसमें 40 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, 20 जूल ट्रांसमिट हो गया। तो 40 जूल कितना हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब। तो 40 जूल बी योर आंसर। समझ आई बात? इसी क्वेश्चन में लिखो, इफ इन एन ओपेक मटेरियल 120 जूल ऑफ एनर्जी इज इंसिडेंट the reflectivity
ऑफ द मटेरियल इज 0.3 then find the energy absorbed by the material. बाकी लोग भी करो, सॉल्व करो. आ गया. आंसर किसका किसका आ गया? ओके. है 96 जूल. देखो 0.2 का मतलब क्या है? क्यू आर बाई 0.3 दिए थे. अच्छा 0.3. तो ओपेक मटेरियल मतलब ट्रांसमिटिविटी कितना हो जाएगा? जीरो. कितना हो जाएगा? जीरो. तो जो भी इंसिडेंट हुआ उसका कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो गया और बाकी पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया. तो हम बोलेंगे एब्जॉर्प्टिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी इज इक्वल टू 1. तो एब्जॉर्प्टिविटी क्या हो जाएगा? ये 0.3 है तो 0.7 हो जाएगा ना. समझ आई बात? अब ये हो जाएगा Q absorb by Q total is equal to 0.7. तो यहां पर देखो Q absorb जो आएगा वो 0.7 into 120 मतलब 84 जूल आपका आंसर आ जाएगा. समझ में आई बात? समझे कि नहीं समझे? कर लोगे? ओके. क्या ये सब है? डायरेक्ट बोलो ना, इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा. फिर ऐसा तो मोड़ के दिया. आवाज कर्कश आ रही है, सुन लो. एग्जाम के दौरान ये आवाज गूंजना चाहिए तेरे हाथ में, आंख में, मतलब कान में. समझ वाली बात? कर्कश है तो आवाज जो है वो तुम्हारे कान में लंबे समय तक याद रहना चाहिए. समझ मारी बात? कि सर ऐसा ऐसा बोले थे. समझ मारी बात? चलो अब देखो, ब्लैक बॉडी जो है, ब्लैक बॉडी किसे बोलते हैं? एक ऐसी बॉडी जिसमें जितनी भी रेडिएशन या एनर्जी इंसिडेंट हो वो पूरा का पूरा को एब्जॉर्ब कर ले. क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले. समझ मारी बात? मतलब ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा? 1. ना ही कोई रिफ्लेक्ट होगा ना ही कुछ ट्रांसमिट होगा. मतलब रिफ्लेक्टिविटी क्या हो जाएगी? 0. और ट्रांसमिटिविटी भी 0 फॉर ब्लैक बॉडी. लिख लेना, फॉर ब्लैक बॉडी. आइडियल ब्लैक बॉडी. आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिविटी जो होगी वो 1 हो जाएगी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी 0 हो जाएगी. अब देखो, अब आते हम लोग प्रिवोस्ट थ्योरी में. किसमें? प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज. ये क्या बोलता है कि सपोज हम
किसी बॉडी को किसी टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, ठीक है, ये बॉडी की टेम्परेचर है और सराउंडिंग की टेम्परेचर जो है वो टी नॉट है. क्या है? टी नॉट. टी नॉट जो है वो सराउंडिंग की टेम्परेचर है और बॉडी की टेम्परेचर क्या है? टी. तो प्रीवोस्ट थ्योरी बोलता है कि किसी भी टेम्परेचर पे बॉडी जो है वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब भी करेगा और उस टेम्परेचर पे वो सराउंडिंग में हीट जो है वो रिलीज भी करेगा या इमिट भी करेगा. समझ आएगा? एट अ गिवन टेम्परेचर द बॉडी या ऑल बॉडीज विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इमिट हीट फ्रॉम टू द सराउंडिंग. समझ आएगा? किसी भी टेम्परेचर पे. अब देखो, अगर मान लो बॉडी की टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है, क्या है? ज्यादा है. ये 10 डिग्री और ये 80 डिग्री मान लेते हैं. समझ आ रही बात? तो उस केस में क्या होगा कि ये ज्यादा इमिट करेगा और कम एब्जॉर्ब करेगा. समझ आ रही बात? ये ज्यादा इमिट करेगा और कम एब्जॉर्ब करेगा तो उस केस में क्या होगा कि बॉडी की टेम्परेचर जो है वो धीरे 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 कम होगी. समझ आई बात? फिर फाइनली क्या होगा कि बॉडी और सराउंडिंग की जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाएगी. क्या हो जाएगी? बराबर. और उसके बाद जितना ये हीट रेडिएट करेगा या इमिट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा. तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जब बॉडी की टेम्परेचर और सराउंडिंग की टेम्परेचर बराबर हो जाएगी तो उस केस में बॉडी जितना हीट रिलीज करेगा रेडिएट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा. अगर मान लो सराउंडिंग की टेम्परेचर ज्यादा है और बॉडी की टेम्परेचर कम है तो बॉडी जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होगा और कम इमिट कर रहा होगा. तो उस केस में ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसकी टेम्परेचर बढ़ेगी ना. तो टेम्परेचर बढ़ते 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 एक टाइम आएगा कि इसकी टेम्परेचर और सराउंडिंग की टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाएगी. अगेन फिर जितना रेडिएट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा. समझ में आएगा? तो किसी भी टेम्परेचर पे बॉडी जो है वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब भी करता है और सराउंडिंग में हीट रेडिएट भी करता है या फिर इमिट भी करता है. समझ आई बात? लिखो. एट एनी टेम्परेचर ऑल बॉडीज एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड ऑल्सो रेडिएट और इमिट हीट टू सराउंडिंग. अब देखो यहां पर अगर T इज ग्रेटर देन T नॉट, मतलब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम, तो ज्यादा रेडिएशन बोले तो इमिशन. रेडिएशन ज्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन कम होगा. समझ में आई बात? इस केस में धीरे धीरे बॉडी की टेम्परेचर जो होगी वो कम होगी. जब बॉडी की टेम्परेचर सराउंडिंग की टेम्परेचर के बराबर हो जाएगी उसके बाद रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा. समझ में आई बात? अगर 10 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है तो 10 जूल निकाल भी रहा होगा. समझ में आई बात? नेक्स्ट, अगर मान लो टी इज लेस देन टी नॉट, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और बॉडी की टेम्परेचर कम है तो इस केस में वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा होगा और रेडिएट कम कर रहा होगा. रेडिएशन विल बी लेस देन एब्जॉर्प्शन. अगेन बॉडी की टेम्परेचर इस केस में बढ़ रही होगी और फाइनली सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा. उसके बाद फिर से जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रेडिएट करेगा. समझ में आई बात? अगर मान लो टी जो है वो बराबर हो जाए टी नॉट के तो रेडिएशन विल बी इक्वल टू
एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन विल बी इक्वल टू एब्जॉर्प्शन। समझ आई बात, लिख लो। ये तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो ना, समझ में आई बात। लिख लिए क्या? लिख लिए। चलो अब हम लोग देखने वाले हैं इमिसिव पावर। अभी हम लोग बेसिक बेसिक टर्म्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बेसिक बेसिक टर्म्स। इमिसिव पावर क्या है कि देखो किसी भी बॉडी की, किसी पे कोई भी बॉडी ले लेते हैं, इसकी किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर यूनिट एरिया से एक सेकेंड में जो एनर्जी इमिट हो रहा है, क्या हो रहा है? इमिट हो रहा है। समझ आई बात? किसी भी बॉडी की यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में निकलने वाला जो रेडिएशन है या एनर्जी है उसे ही हम बोलते हैं इमिसिव पावर। समझ आई बात? किसी भी बॉडी का यूनिट एरिया ले लो, उस यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना एनर्जी निकल रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इमिसिव पावर। क्लियर है? लिखो कि द एनर्जी इमिटेड बाय यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इमिसिव पावर। समझ आएगा? इमिसिव पावर का यूनिट क्या हो जाएगा? देखो इसका होता है एनर्जी निकला पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट एरिया को क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। समझ आई बात? तो जूल बाय सेकेंड, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वैट। तो वैट पर मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो। जूल का क्या लिखोगे? ML2 T^-2 L^2 × T। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो M T^-3। नेक्स्ट लिखो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर। इसको हम लोग बोलेंगे E lambda। क्या बोलेंगे? E lambda। समझ आई बात? देखो अगर हम इस बॉडी की यूनिट एरिया दें तो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जो बॉडी होता है वो हर एक वेवलेंथ की, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो इमिट कर रहा होता है। समझ आई बात? हो सकता है 0.1 मीटर का वेवलेंथ वाला इमिट करे, 0.2 मीटर, 0.3 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, कुछ भी इमिट कर सकता है। समझ आई बात? किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी जो है हो सकता है कि वो ज्यादा इमिट करे और किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी कम इमिट करे। तो अगर हम लोग किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ वाली एनर्जी कितना इमिट कर रहा है थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इसकी बात करते हैं तो वो कहलाएगा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। समझ में आई बात? जैसे मान लो ये जो बॉडी है वो आपका 10 मीटर 20 मीटर दो दो वेवलेंथ इमिट कर रहा है। समझ आई बात? तो अगर हम बोले 10 मीटर वेवलेंथ वाली एनर्जी
यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितना निकल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रल या फिर मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर। समझ आई बात? और ये जो टोटल इमिसिव पावर था, इसका मतलब 10 मीटर और 20 मीटर दोनों को मिलाकर के कितना निकल रहा था, है ना? तो हो सकता है कि 10 मीटर के लिए अलग हो और 20 मीटर के लिए अलग हो सकता है ना। हो सकता है कि ये बॉडी जो है वो 10 मीटर वेवलेंथ वाली एनर्जी जो है वो 20 जूल इमिट कर रहा है, और 20 मीटर वाली जो है वो 50 जूल इमिट कर रहा है। तो हर एक वेवलेंथ की अलग अलग इमिसिव पावर हो सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। समझ में आई बात? अब देखो बॉडी की जो टोटल इमिसिव पावर होती है ये होता है इंटीग्रल ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा फ्रॉम जीरो से इंफिनिटी। इसका हम लोग न्यूमेरिकल में कभी यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक्सप्रेशन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है? तो याद रख लो, लिख लो। लिख लिए क्या? ओके, अब आते हैं हम लोग स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर, नेट एब्जॉर्प्टिव पावर को हम लोग ए से डिफाइन किए थे ना, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर को हम लोग ए लैम्डा से डिफाइन करेंगे। किससे डिफाइन करेंगे? ए लैम्डा से। समझ में आई बात? जैसे मान लो ये बॉडी है, इसमें 100 जूल ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है। अब उस 100 जूल में हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी इंसिडेंट हो सकता है ना। समझ आ रही बात? हो सकता है कि इस मटेरियल के लिए किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ का एनर्जी की एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा हो, मतलब किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ का एनर्जी को वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है और बाकी को कम एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ आ रही बात? जैसे मान लो ये जो मैट है वो ग्रीन क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाली एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। इसमें से रेड या फिर जितना भी बाकी सब कलर्स है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और ग्रीन के लिए इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कम है, रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा है। समझ में आई बात? इसलिए ये ग्रीन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ग्रीन। समझ में आई बात? और क्या, ये ग्रे क्यों दिख रहा है? इस कलर को वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब इस कलर के लिए इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, बहुत कम है, मिनिमम है। समझ में आ रही बात? तो अगर कोई बॉडी जो है वो उस कलर का दिखता है, वो लाल कलर दिख रहा है, कौन? आग बुझाने वाला, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है? तो वो लाल कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो लाल को छोड़ करके सारे को क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। लाल के लिए उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर बहुत कम है। तो कोई भी बॉडी जो है उसके लिए हो सकता है कि अलग अलग वेवलेंथ की एब्जॉर्प्टिव पावर अलग अलग हो। किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की एब्जॉर्प्टिव पावर जो होती है उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। समझ में आई बात? समझ गए? अब यहां पर टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो अगेन आपका हो जाएगा ए लैम्डा डी लैम्डा फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। ये आपका टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर हो गया और ये आपका स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर हो गया। समझ में आई बात? लिख लो इसको। अब आते हैं ब्लैक बॉडी पे। हेडिंग डालो ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का जो एग्जैक्ट डिफिनेशन है वो क्या है? Those bodies which absorb all the radiation incident on it, which absorb all the radiation incident on it, irrespective of the wavelength, मतलब किसी भी wavelength का उस पर radiation incident होगा वो सारे के सारे को क्या कर लेगा? Absorb कर लेगा। समझ आई बात? तो हम उसे बोलेंगे black body। समझ आई बात? अब वो जो है वो खंभा ब्लू कलर का क्यों दिख रहा है? क्योंकि ब्लू को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। वो सारे को एब्जॉर्ब कर रहा है क्या?
अगर सारे को वो ऑब्जर्व कर लेता तो उसका कलर क्या दिखता? ब्लैक दिखता. क्या दिखता? तो ब्लैक बॉडी जो है वो क्योंकि सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसका कलर जो होता है वो क्या होता है? ब्लैक होता है. समझ में आई बात? लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी का कलर जो है वो हमेशा आपको ब्लैक ही दिखेगा. क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा. समझ में आई बात? पहले तो ये लिखो ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन. या बॉडी, अ बॉडी विच एब्सॉर्ब ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट irrespective of their wavelength. समझ में आई बात? और अभी अभी मैंने बताया है कि ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हो जाएगी? 1. स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हो जाएगी? 1. स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर भी 1. कोई भी वेवलेंथ का इंसिडेंट हो, पूरा का पूरा क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है. तो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर भी क्या हो जाएगा? 1. समझ में आई बात? रिफ्लेक्टिविटी 0, ट्रांसमिटिविटी 0. समझ में आई बात? अब देखो, दुनिया में ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जो कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो. क्या हो? ऐसा नहीं कि कोई कलर आपको ब्लैक दिख रहा है तो वो ब्लैक बॉडी हो गया. समझ में आ रही बात? वो मतलब कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट ही कर जाता है. समझ में आ रही बात? तो कभी भी आप परफेक्ट ब्लैक, कोई चीज को अगर आप परफेक्ट एकदम ब्लैक से पेंट कर दो, ठीक है, फिर भी वो कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर जाएगा. ठीक है, तो आप परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो ऐसे नहीं बना सकते हो. समझ में आई बात? अगर आप एकदम भयंकर काला से कर देते हो, है ना, फिर भी कुछ ना कुछ पार्ट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट कर जाता है. लेकिन लैंप ब्लैक सुने हो? लैंप ब्लैक, लालटेन जानते हो ना? तो लैंप जब जलता था तो उसके ऊपर में ऐसे लगता है ना, तो उसमें कालिख जम जाता है ना, कार्बन. तो उसको ऑलमोस्ट हम लोग लैंप ब्लैक को ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो नहीं बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. समझ में आई बात? लिख लो ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी लैंप ब्लैक. इसको हम लोग आइडियल ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं हम इसको आइडियल ब्लैक बॉडी, नहीं बोलेंगे. समझ में आई बात? एक और होता है गोल्डन ब्लैक. क्या होता है? गोल्डन ब्लैक. ठीक है, तुम लोग गूगल में ये सर्च करना, आपको दिखेगा गोल्डन ब्लैक. समझ में आ रही बात? इसको भी हम लोग लगभग ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं, लेकिन आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं बोल सकते हैं. और एक आता है प्लैटिनम ब्लैक. इसको हम आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं बोल सकते, लेकिन ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि ये बहुत ही कम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मोस्टली एब्जॉर्ब कर लेता है. क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब. लेकिन एक साइंटिस्ट थे फेरीज, समझ आई बात? इन्होंने ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश की थी. ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है? कि उसमें आप लाइट इंसिडेंट कराओ तो वापस से रिफ्लेक्ट कुछ भी लाइट नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए? एब्जॉर्ब. तो उन्होंने क्या दिया? एक स्फेरिकल सेल लिया. क्या लिया? सेल. और इसमें अंदर से पूरा एकदम ब्लैक कलर से रंग दिया. ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर एक ऑब्स्टिकल ऐसे लगा दिए, ऐसा ऑब्स्टिकल उन्होंने लगा दिया, और यहां पर एक पिन होल छोड़ दिया ऐसा. अब यहां से लाइट अगर इंसिडेंट कराओगे, ठीक है, तो ये लाइट क्या होता है?
कि मल्टीपल टाइम अंदर ही रिफ्लेक्ट होते रहता है. क्या होता रहता है? रिफ्लेक्ट. और बहुत बार ये इसके सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो हर बार क्या हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है. क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है. अगर यहां पर टकराया तो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ. और ऐसे करते करते ये लाइट जो है वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है. समझ में आई बात? तो हम इसे आइडियल ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं. समझ में आई बात? तो इसे हम बोलते हैं फेरीज, फेरीज आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी, फेरीज आइडियल ब्लैक बॉडी. तो इसे हम लोग आइडियल ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं. समझ आई बात? चार ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा आइडियल ब्लैक बॉडी है, तो आपको फेरीज आइडियल ब्लैक बॉडी में टिक मारना है. समझ आई बात? किस साइड से? यहां पर से स्ट्राइक किया तो यहां पर एब्जॉर्ब हो गया, फिर रिफ्लेक्ट करेगा. बाहर से इधर से ना स्ट्राइक कर रहा है. हम लोग का ये जो छोटा सा पोर्शन है ना, इसी से स्ट्राइक करा सकते हैं, इसी को हम लोग ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं. समझ आ रही बात? ये छोटा सा पोर्शन कि इसमें तुम लाइट इंसिडेंट करा दिया तो फिर वो वापस नहीं जाएगा. समझ आ जाएगा? इस छोटे से पोर्शन से अगर आप लाइट इंसिडेंट करा दिए तो लाइट जो है वो बाहर नहीं जाएगा. मतलब ये परफेक्टली या आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट कर रहा है. समझ में आई बात? समझ गए? चलो अब देखो, आइडियल ब्लैक बॉडी जो होता है, आइडियल ब्लैक बॉडी जो होता है वो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन बाकी सारे बॉडीज से, बाकी सारे बॉडीज से सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट करता है या इमिट करता है. सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट करता है या फिर इमिट करता है. कैसे? जैसे मान लो कि एक हम कमरा ले लिए और इस कमरे में दो बॉडी ले रहे हैं. एक इसमें से ब्लैक बॉडी है. क्या है? ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी. समझ में आई बात? और ये जो है बाकी जो बॉडीज रहता है ना, जो नॉन ब्लैक बॉडी है उसको हम लोग ग्रे बॉडी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ग्रे बॉडी. तो जो बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है उसको क्या बोलते हैं? ग्रे बॉडी. समझ में आई बात? तो ये आपका ग्रे बॉडी है और ये आपका ब्लैक बॉडी है. दोनों की साइज सेम है. क्या है? सेम है. और इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है. मतलब इसकी टेम्परेचर और सराउंडिंग की टेम्परेचर क्या हो रही है? सेम हो गई है. समझ में आई बात? जब इक्विलिब्रियम सिचुएशन होता है तो अभी अभी हम लोग प्रीवेस्ट थ्योरी में देखे थे कि जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रेडिएट करेगा. समझ में आई बात? अब इन दोनों में, दोनों की साइज सेम है, साइज सेम है. अगर इसमें 100 जूल एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है तो इसमें भी 100 जूल एनर्जी इंसिडेंट होगा. होगा कि नहीं होगा? होगा ना. अब देखो ब्लैक बॉडी क्या करता है, जितना भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है. लेकिन ये ब्लैक बॉडी नहीं है, ये इस 100 जूल में से कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी को रिफ्लेक्ट करेगा. समझ आ रही बात? तो मान लेते हैं कि ये 60 जूल एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब किया. क्या किया? एब्जॉर्ब किया. समझ आई बात? अब इक्विलिब्रियम में ये जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही इमिट करेगा ना. ये 60 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है तो कितना इमिट करेगा? 60 जूल. ये पूरा का पूरा को एब्जॉर्ब करता है, मतलब 100 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है तो कितना इमिट करेगा? 100 जूल. कितना? 100 जूल. तो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सारे बॉडीज में से ब्लैक बॉडी जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी क्या करता है? इमिट करता है. समझ में आई बात? लिख लो इस स्टेटमेंट को. एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी विल इमिट मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी
out of all the bodies of same size. समझ गए ना क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है. ब्लैक बॉडी से ज्यादा कोई एब्जॉर्ब कर सकता है क्या? समझ में आई बात? इसलिए वो ज्यादा इमिट भी कर रहा है. अब देखो किरचॉप्स लॉ. किरचॉप्स लॉ बोलता है कि अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो अ गुड एमिटर. अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो अ गुड एमिटर. जो अच्छा एब्जॉर्ब करेगा वो अच्छा इमिट करेगा. अभी देखे ना कि ये जो बॉडी है ये 60 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इमिट भी कितना कर रहा है? 60 जूल. ये 100 जूल इमिट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कितना इमिट कर रहा है? 100 जूल. कोई दूसरा बॉडी जो है वो 70 जूल एब्जॉर्ब करेगा, तो कितना इमिट करेगा? 70 जूल. समझ आई बात? तो अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो अ गुड इमिटर. समझ आई बात? अब देखो इमिटर मतलब एनर्जी इमिट कर रहा है. तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई लैम्डा से. किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विल बी ई लैम्डा. जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छा इमिटर भी होगा, मतलब ई लैम्डा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोल सकते हैं ना? क्या बोल सकते हैं? ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ई लैम्डा विल बी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू ए लैम्डा. तो E lambda by A lambda for all the bodies will be constant. समझ आई बात? E lambda by A lambda for any bodies at a particular temperature will be constant. और देखो अगर मान लो तीन bodies लेते हैं, दो bodies, ये आपका 1, 2, और मान लो ये एक black body है. क्या है? black body. इसकी स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है ई लैम्डा 1, एब्जॉर्प्टिव पावर है ए लैम्डा 1. इसके लिए ई लैम्डा 2, ए लैम्डा 2. इसके लिए ई लैम्डा ऑफ ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? 1 होता है ना? क्या होता है? 1 होता है. एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 1. तो हम बोल सकते हैं कि E लैम्डा 1 बाई A लैम्डा 1 इज इक्वल टू E लैम्डा 2 बाई A लैम्डा 2 इज इक्वल टू E लैम्डा ऑफ ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय इसका A लैम्डा, तो 1 हो जाएगा. तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है. समझ में आई बात? या फिर 1 लिख दो, ठीक है? तो किसी भी बॉडीज के लिए किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, एंड इट विल इक्वल टू द स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी. समझ में आई? तो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है कि अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो अ गुड इमिटर. यहां से हमको ध्यान में रखना है कि ई लैम्डा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा. उसके बाद वो वाला स्टेटमेंट फिर आप लिख सकते हो. समझ में आई बात? डायरेक्ट वो लिखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि ये लैम्डा लिखे भाई, ई लैम्डा लिखे, क्या लिखे क्या नहीं. समझ में आ रही बात? तो आपको स्टेटमेंट जाना है, ये ध्यान में रखना है, उसके बाद वो चीज लिखना है. क्लियर है? लिख लो. दिस इज द किरचॉप्स लॉ. क्या? हाँ, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर स्मॉल ए लैम्डा स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर. अभी देखे ना
कि मान लो ब्लैक बॉडी में रेड कलर का इंसिडेंट हो रहा है या 10 मीटर वेवलेंथ वाली लाइट या फिर इंसिडेंट हो रही है, तो वो पूरा का पूरा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसके लिए ए लैम्डा वन भी तो वन हो गया ना। वन वन जूल कहां बोल रहे हैं यहां पर, ए लैम्डा ऑफ ब्लैक बॉडी इज वन। ए लैम्डा एब्जॉर्प्टिव पावर हम लोगों ने क्या लिया था, दिस इज इक्वल टू क्यू एब्जॉर्ब बाय क्यू इंसिडेंट। तो जितना भी इंसिडेंट हो रहा है पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो ऊपर भी क्यू इंसिडेंट। समझ गए, लिख लिए ना कि नहीं लिखे हो, समझ गए क्रिचॉप्स लो। अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो अ गुड इमिटर एंड अ बैड ऑब्जर्वर इज बैड इमिटर। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट आते हैं स्टीफंस बोल्ट्जमैन लॉ। अभी तक देखो हम लोग थ्योरी वाला पार्ट देख रहे थे, अभी तक कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आई बात, समझे। इसमें देखो एक किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं फ्राउनहोफर लाइन। क्या बोलते हैं, फ्राउनहोफर लाइन। यह क्या होता है कि जैसे हम कोई प्रिज्म ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, प्रिज्म, और सन से आने वाली लाइट को जब इस प्रिज्म से पास कराया गया तो यह क्या कर जाता है, डिस्पर्स कर जाता है। क्या कर जाता है, डिस्पर्शन में पड़े थे ना, डिस्पर्स कर जाता है। क्या कर जाता है, डिस्पर्स। आप यहां पर एक स्क्रीन लगाओगे तो यह जो है डिस्पर्स करके यहां पर आपको रेड कलर, व्हाइट कलर, सॉरी रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। समझ में आ रही बात, यहां पर आपको रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, वायलेट कलर, इसका पैटर्न देखने को मिलेगा। समझ में आई बात। इन पैटर्न्स के बीच में ऐसा देखा गया कि बीच बीच में ब्लैक कलर्स का लाइंस देखा गया। क्या देखा गया, ब्लैक कलर का लाइंस। इस लाइन को फ्राउनहोफर लाइन बोला गया। क्या लाइन बोला गया, फ्राउनहोफर लाइन। तो ये क्यों होता है, ये लाइंस क्यों आता है, पूरा तो ब्लू से रेड तक कंटिन्यूअस कलर होना चाहिए ना, बीच में शार्प ब्लैक कलर्स देखा गया। ऐसा इसलिए होता है, देखो ये चीज आपको बस ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि फ्राउनहोफर लाइंस आर ड्यू टू, तो आपका आंसर होना चाहिए क्रिचॉप्स लॉ। क्या लॉ, क्रिचॉप्स लॉ, ठीक है। ये जो लाइट आ रही है सन से आ रही है, कहां से आ रही है, सन से। तो सन का दो लेयर्स होता है, एक अंदर वाला जो कोर लेयर होता है इसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। और बाहर वाली जो एटमॉस्फेयर होती है इसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। ये जो बाहर वाला एटमॉस्फेयर है ना, इसका टेम्परेचर होता है 6000 केल्विन, 6000 केल्विन। और अंदर वाली जो कोर पार्ट है फोटोस्फीयर, उसका टेम्परेचर होता है 2 × 10⁸ केल्विन, 2 × 10⁸ केल्विन के आसपास। तो क्या होता है कि सन के फोटोस्फीयर से भी रेडिएशन इमिट हो रहा है। क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। तो इसमें से रेडिएशन जब इमिट होता है तो कुछ पार्ट जो है वो बाहर वाले एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब। तो वो बहुत सारी वेवलेंस की इमिट हो रही है, तो उसमें से कुछ वेवलेंस ऐसा होता है कि बाहर वाले एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के द्वारा वो एब्जॉर्ब हो गया, तो वो वेवलेंस जो है वो यहां तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जो पैटर्न है कलरफुल पैटर्न्स, उसके बीच बीच में ब्लैक कलर्स का लाइन देखने को मिलता है। समझ में आई बात। और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्राउनहोफर लाइन। तो फ्राउनहोफर लाइन जो है इट इज ड्यू टू द किरचॉफ्स लॉ। किसके कारण, लिख लो, फ्राउनहोफर लाइन्स, फ्राउनहोफर लाइन्स आर
ऑब्जर्व इन डिस्पर्सन पैटर्न थ्रू प्रिज्म डैश देकर के लिखना रीजन क्रिचॉप्स लॉ बस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है और ये टेम्परेचर लिख लेना ठीक है बाहर वाला का 6000 केल्विन अंदर वाले का 2 × 10⁸ केल्विन बाहर वाले को बोलते हैं फोटोस्फीयर बाहर वाले को क्रोमोस्फीयर अंदर वाले को फोटोस्फीयर किसी को डाउट है इसमें याद रखना है बस ठीक है उसमें डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है बस उसके पीछे का रीजन आपको मालूम होना चाहिए क्रिचॉप्स लॉ अभी तक में किसी को कोई डाउट नहीं ना ओके अब हम लोग आते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है कि किसी भी ब्लैक बॉडी की जो इमिसिव पावर होता है फॉर अ ब्लैक बॉडी द इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर फोर टाइम हो गया क्या चलो तो इसमें टाइम लग जाएगा है? नहीं एक और लिख लो ये छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं ठीक है नहीं इमिसिविटी देख लो इसे हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो कम टाइम में आप लोगों को कवर कराना है समझ में आ रही बात तो देखना जरूरी है इमिसिविटी क्या होता है बतलाओ कोई देखो इमिसिविटी जो होता है किसी भी बॉडी की ये होता है इमिसिव पावर ऑफ अ ग्रे बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी किसी भी बॉडी की इमिसिविटी जो होगी उसे हम लोग डिफाइन करेंगे इमिसिव पावर ऑफ अ ग्रे बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी समझ में आई बात क्लियर कट इतना आपको याद रखना है क्या रखना है याद रखना है इसको देखो हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ अ ग्रे बॉडी डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी मतलब ई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ई लैम्डा ऑफ ग्रे बॉडी डिवाइडेड बाय ई लैम्डा ऑफ ब्लैक बॉडी समझ में आई बात ई लैम्डा ऑफ ग्रे बॉडी डिवाइडेड बाय ई लैम्डा ऑफ ब्लैक बॉडी देखो यहां पे हम लोगों ने अभी अभी क्रिचॉप्स लॉ में देखा था कि ई लैम्डा फॉर एनी बॉडी डिवाइडेड बाय ए लैम्डा ये होता है ई लैम्डा ऑफ ब्लैक बॉडी देखे थे ना कि नहीं देखे थे तो ई लैम्डा बाय ई लैम्डा ऑफ ब्लैक बॉडी ये क्या ए लैम्डा के बराबर होगा समझ वाली बात मतलब देखो ये वाली क्वांटिटी और वो वाली क्वांटिटी दोनों सेम है ना मतलब इमिसिविटी जो है वो किसी भी
बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्प्टिव कोफिशियंट के बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे ई ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव कोफिशियंट ऑफ द बॉडी। समझ में आई बात, लिख लो इमिसिविटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट ऑफ द बॉडी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो ये इमिसिव पावर ऑफ ग्रे बॉडी क्या है, कोई भी जनरल बॉडी का यूनिट एरिया ले लोगे तो इसमें यूनिट टाइम में कितना एनर्जी इमिट कर रहा है, और उसी टेम्परेचर पे अगर आप एक ब्लैक बॉडी ले गए उसकी यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, इमिट कर रहा है, ये नीचे वाला हो गया। अब देखो सेम टेम्परेचर पे, क्योंकि ये ज्यादा एब्जॉर्ब करता है तो ज्यादा इमिट करेगा, मतलब ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर ज्यादा होगी और ग्रे बॉडी की इमिसिव पावर कम होगी, क्या होगी, कम होगी। तो ग्रे बॉडी के लिए ऊपर वाली वैल्यू कम होती है और नीचे वाली वैल्यू, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, वन से कम। समझ में आई बात? तो फॉर ग्रे बॉडी ई जो होता है वो जीरो से वन के बीच में लाई करता है, जीरो से वन के बीच में लाई करता है, और ब्लैक बॉडी के लिए ऊपर वाला और नीचे वाला तो सेम हो जाएगा ना, तो वो कट करके क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ई की वैल्यू जो हो जाएगी वो वन हो जाएगी। समझ में आई बात? तो आपको इस पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि इमिसिविटी जो होता है वो एब्जॉर्प्टिविटी के बराबर होता है। समझ में आई बात? और दूसरा चीज, ग्रे बॉडी के लिए ई की वैल्यू जीरो से वन के बीच में लाई करेगी, ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। क्लियर है, समझे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्टीफन्स लॉ और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच।